से देख लीजिए, नस्य के बारे में उन्होंने बता रखा है, वर्षे वर्षे अड़ु तैले च बाले सु कृषा न चरेत ना चरेत प्रावृत शरद बसंतेषु गत मेघ नभस्तले नस्य कर्म यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते न तस्य चक्षुर न घ्राणम न स्रोतम उपहन्यते न स्युपा श्वेता न कपिला केशा श्रम सुनई वा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः मन्या स्तंभ शिर स्थूलम अद्यतम अनुसंग्रह पीनस अर्धाव भेदौ च शिर कंपस्य साम्यति शिर कपालानां संध्य स्युकंडरा नावनम प्रणताश्च अस्य लभ्यन्ते अभ्यधिकं बलम् मुखं प्रसन्न उपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् सर्व इन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति च अधिकं न च अस्य रोगाः सहसा प्रदुर्भवन्ति ऊर्ध्वजतृजा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वजतृजा। जिर्यतोश्च उत्तम अंगेषु न जरा न लभते बलम्। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी इन्होंने बोल रखा है, जिरतश्च उत्तम अंगेषु जरा न लभते बलम्। न जीर्ण मतलब जरावस्था आने पर भी उत्तम अंग में जरा का लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। क्या करने से? नस्य करने से। ये नस्य से लाभ है। इन्होंने बोला है वर्षे वर्षे अड़ु तैले, मतलब हर हर वर्ष ना, वर्ष वर्ष मतलब प्रति वर्ष या हर हर साल आपको इन कालों में, मतलब प्रायवृत शरद और बसंत ऋतु में ही आपको ये, इसको बोलते हैं साधारण ऋतु, ठीक ना। तो साधारण ऋतु मतलब जो शोधन वाला ऋतु होती है ना, प्राइवेट होता है बाद इसमें जब बड़ा रहता है, पित्त बड़ा होता है शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में कफ बड़ा होता है, इस समय हम शोधन करवाते हैं ना, पंचकर्म करवाते हैं, तो इनको बोलते हैं साधारण ऋतु। साधारण ऋतु में आपको जब गत मेघ नभस्तले, मतलब मेघ में नभ में जो है वो मेघ न हो, गत हो मतलब चला गया हो, मतलब एकदम क्लियर हो आकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बादल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट ऋतु है ना, वर्षा ऋतु एक तरह से होती है, तो इसमें बादल होने का चांस बना होता है, उस वाले दिन में आपको बिल्कुल नस्य नहीं देना जिस दिन बादल होता है, ठीक ना। इन्होंने बोला है एकदम आसमान क्लियर होना चाहिए उस दिन आपको, ये क्या है आपको अड़ुतल का नस्य करना चाहिए, अड़ुतलम च कालेषु, है ना। तो इसको इन तीनों ऋतुओं में इन्होंने बोला तीनों त्रिषु कालेषु ना, तीनों ऋतु में आपको नस्यकर्म करवाना चाहिए। तो देखिए प्राइवेट में आप वस्ती करवाते हो, शरद में विरेचन करवाते हो, बसंत में वमन करवाते हो, लेकिन नस्य के लिए उन्होंने बोला कि तीनों काल सुटेबल होता है, ये तीनों काल जो है वो सुटेबल होता है, तीनों में आप करवा सकते हो, कालेषु त्रिषु ना, तो इन्होंने बोला तीनों में करवाना चाहिए, ठीक है। आगे इन्होंने बोला नस्य कर्म यथा काल जो यथोक्तम निश्चित है उस काल में करवाइए, तो क्या होता है उस काल में नस्य कर्म करवाने से फायदा क्या होता है, इन्होंने बोला है कि चक्षु के रोग नहीं होंगे, घ्राण के कोई रोग नहीं होंगे, और कान के स्रोत के कोई रोग नहीं होंगे, और क्या फायदा होगा, इन्होंने बोला न सु श्वेता न कपिला केशा श्रम सुनी वा पुनः, केश मतलब जो हेड के हेयर्स है ना वो बिल्कुल नहीं, और दाढ़ी मूछ वो बिल्कुल श्वेत या कपिल वर्ण के नहीं होंगे, ठीक ना। न च केशा प्रमोचन्ते वर्धते तब च विशेषता, उसको यदि ये बाल गिरेंगे नहीं, हेयर लॉस आपका नहीं होगा, और विशेष रूप से बढ़ेंगे ना, केश का ग्रोथ बढ़िया से होता है, ठीक ना। आगे इन्होंने बोला कि मन्या स्तंभ शिर शूल अर्धम हनु संग्रह ना, तो मन्या स्तंभ में शिर शूल में अर्धित में हनु संग्रह हो गया हो, मतलब लॉक जाकर केश हो, पीनस हो, अर्धाव भेदक हो, शिर कंप हो, इन सबको ये दूर करने वाली होती है, ये सब डिजीज है। तो हेल्दी कंडीशन में क्या करने वाली है, आंख नाक और ये घ्राण, मतलब आंख नाक और कान के ना स्रोत, ठीक है, इनके आंख कान और नाक के बीमारियां नहीं होंगी, और बाल दाढ़ी ये सब एकदम सही रहेंगे, ये बाल गिरेगा नहीं और बढ़ेगा ही। और इन्होंने बोल रखा कि मन्यास्तंभ, आप डिजीज वाले कंडीशन में देखा जाए तो मन्यास्तंभ हो, शिरस्थूल हो, अर्धित हो, हनु संग्रह हो, मतलब अनुग्रह हो चुका हो किसी को, लग्जों का केस हो, पीनस हो, अर्धाव भेदक हो, और सिरक कंप हो ना, सिरक कंप, उस वाले बीमारियों में आपको ये नस्य कर्म करवाने से इनका शमन करना पड़ता है। और आगे उन्होंने बोला है कि फायदा क्या करेगा, इन्होंने बोला कि सिरा का पालना जो हेड रीजन के जो वेंस और आर्टरी हैं और संधि हैं और स्नायु कंडरा हैं, उनको ये नस्य देने से इनका प्रीणन होता है, मतलब ये नरिशमेंट प्राप्त करते हैं,
इससे ये लभन्ते अत्यधिकम बलम, इनको अत्यधिक बल का लाभ होता है ना, मत्स्य कर्म करने से इनका नरिशमेंट प्राप्त होता है, दृढ़न होता है, इससे इनको बल अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है। किसको? तो सिर कपाल प्रदेश में, सिर कपाल मतलब जो ऊपर का हेड रीजन है, उस रीजन में जो सीरा सीरा मतलब यहाँ से वेन और आर्टरी दोनों को लेना है, तो कैपिलरीज वगैरह जो भी हैं उनको, संधि को, स्नायु कंडरा, इन सबको क्या नरिशमेंट प्राप्त होता है। इससे फायदा क्या होगा? मुखम प्रसन्न उपचितम ना, मुख जो है वो प्रसन्न चित दिखाई पड़ता है, उपचित हो जाता है, उपचित स्वर है ना, उपचित होता है मतलब नरिश्ड होता है ना, जो फेशियल रीजन है वो पूरा प्रॉपर से लगता है, वेल प्रॉपर नरिशमेंट प्राप्त हुआ है ना उसको, जैसे फेस पैक वगैरह जैसे आप लगाते हैं, मसाज करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, तो क्या होती है नरिशमेंट प्रॉपर होना है, जो आप जाएंगे आप उसमें ब्यूटी पार्लर वगैरह तो यही सब बताते हैं, तो शायद वो फायदा आपको नशे से मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। मुख जो फेशियल रीजन है वो प्रॉपर उसको उपचित होती है, मतलब उसका एनाबोलिक मतलब उसको प्रॉपर नरिशमेंट प्राप्त होती है। प्लस इन्होंने क्या बोला, स्वरम स्निग्ध, ये जो उनकी आवाज होगी वो क्या हो जाएगी, स्निग्ध होगी, स्निग्ध मतलब सॉफ्ट बोलेगा, कर्कश आवाज नहीं होगी ना, स्थिर और महान, और स्थिर और महान शब्द को निकालने वाला स्वर हो जाएगा ना, उसकी वाणी जो होगी वो स्निग्ध होगी, स्थिर होगी और महान होगी ना। स्थिर स्थिर का मतलब आप थोड़ा समझिए, वाणी का स्थिर होना मतलब क्या होती है, वो मतलब वो हकलाना जिसको कहते हैं ना, हकलाएगा नहीं, स्निग्ध होगा मतलब सॉफ्ट बोलेगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, और हकलाएगा नहीं मतलब विदाउट, इसको आप क्या कहते हो, बड़बड़ाना नहीं ना, तो कोई भी जो भी शब्द बोलेगा वो एकदम क्लियर बोलेगा, तो क्लियर साउंड होगा ना। और हाँ, तो और महान, महान मतलब क्या है, उसकी आवाज भी से लगता है ना भारीपन, अमिताभ बच्चन वाली जो आवाज है ना, ग्रेविटी वाली लगती है आवाज, इस तरह का होगा, मतलब पता नहीं सबके अलग अलग पैकेज के अनुसार होगा, लेकिन उन्होंने बोला यदि आप करते हो तो ये स्वर इतने तरह का स्वर देने वाला हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिर्फ मुलेटी को चूसने से ही गला साफ नहीं होता है, नस्य करने से भी आवाज में अंतर आती है ना, तो आवाज को भी आपको फर्क पाना है तो आप उसको बोलिए नस्य कर्म लिया करो। आगे इन्होंने बोले बोला है, देखिए, सर्व इंद्रियाणाम वैमल्य, सभी इंद्रियों में ये वैमल्य मतलब मल को रहित करने वाला है। अब बलम भवति च अधिकम, बल को अत्यधिक बल को देने वाला होता है, न च अस्य रोगा सहसा प्रादुर्भवन्ति उर्ध्वजत्रजा, इस तरह से उन्होंने बोला कि उर्ध्वजत्र में कोई भी सहसा बीमारी उत्पन्न नहीं होती, मतलब एकाएक कोई भी बीमारी उत्पन्न होने वाली नहीं है इसमें। ठीक ना, यदि आप नस्य का प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इन्होंने बोला है कि इस तरह से नस्य आप करवाते हैं, और जैव का इन साधारण ऋतुओं में नस्य करवाते हैं तो कोई भी सहसा रोग होने वाला उर्ध्वजत्र में कोई भी सहसा रोग नहीं होगा, कोई अचानक रोग नहीं होगा। आगे इन्होंने बोला है कि जृतस्य मतलब जीर्ण होने पर भी जरा के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहां पे उत्तम अंगे से उर्ध्वजत्र मतलब उत्तम अंगे से मतलब सिर रीजन में वृद्धावस्था में भी वृद्धा के लक्षण नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये सब नस्य लाभ होते हैं। ठीक है ना, तो फिर अड़तल हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए अड़तल बनाने के लिए टोटल 27 ड्रग यहाँ पर लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, चंदन लिया हुआ है, ध्यान दीजिए कौन कौन सा है ड्रग, थोड़ा सा सिर्फ नाम जान लीजिए, चंदन अग्रणी पत्रम दार्वी त्वक मधुकम बलामा प्रोपौंड्रिकम सूक्ष्म एला विडंग बिल्वम उत्पलम की बेरा अभयम वन्यम त्वक मुस्तम सारिवाम स्थिरामा जीवंतिम कृष्ण पर्णि च सुदारुम सतावरीम हरिणुम बृहती व्याघ्रेण असुरभि पद्म केसरम विपाचयेत सतगुणे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सतगुणे महेंद्रे विमले अम्भसी ना, जिस दिन विमल को अम्भ मतलब बादल नहीं होना चाहिए उस दिन आपको ये विपाचित मतलब उस दिन ये आपको अड़तेल बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसने उन्होंने बोला कि जो 27 ट्रक है 27 ट्रक को लेकर तो पकाना है, किसमें, महेंद्र जल में, वो भी 100 गुने जल में, 100 गुने महेंद्र जल मतलब क्या होती है, आकाशीय जल ना, मतलब बारिश वाला जो पानी होता है, मतलब प्योर वाटर में ना, प्योर वाटर में आपको इसको पचाना है, मतलब इसको क्वाथ बनाना है। अब कब तक क्वाथ बनाएंगे, तो इन्होंने बोला है तैलात 10 गुणम शीशम, तेल का मतलब इन्होंने बोला तेल से आपको 100 गुना तो पानी लेना है, तेल से 100 गुना पानी लेना है और उतना उसको उबालना है, ये 27 ड्रग को उसमें डाल करके इतना काढ़ा बनाना है, इतना उबालना है उसको, क्वाथ करना है कि सिर्फ तेल से 10 गुना ही बचे, मतलब क्या है वो 1/10 रिड्यूस करना है, 1/10 रिड्यूस करने के बाद में कषायम अवतारयेत, कषाय को उतार के उसको छान लीजिए। उसके बाद में इन्होंने बोला
तैलम कषायण दश कृत्वा विपाचय एत। अब उसको 10 बार जो है तेल को पाक करना है उसमें ना, 1/10 1/10 अलग अलग कर लीजिए उसको, 10 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, जो लास्ट में आपका फिल्टरेट बचा हुआ है उसको, वो क्या है 1/10 है टोटल का, 100 का, जैसे 100 लीटर आपने लिया था पहले, 100 लीटर जल में आपने पकाया, 10 लीटर पानी बचा हुआ है ना, 10 लीटर जो काढ़ा प्राप्त हुआ, 10 लीटर को फिर उन्होंने बोला कि अलग अलग कर लीजिए ना, 1 लीटर ही आपको तेल बनाना है, तो उन्होंने फिर बोला कि 10 को आप अलग अलग 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिर आप 1 लीटर मतलब 10 का 10 पार्ट अलग अलग के मतलब 1 1 लीटर में अलग अलग कर दिए, फिर इसको 10 बार इसको पकाना है तेल के साथ, ठीक ना। तेल लीजिए कसाई मतलब, कसाई मतलब 1 लीटर कसाई लीजिए, 1 लीटर तेल लिए हैं, इसको उसको पाक करना है, कब तक पाक करना है जब कसाई उड़ जाए तेल बचा रहा है, फिर उसमें जो अगला वाला लीटर है वो डालिए, फिर उसको पाक करिए, फिर से कितना उबालना है जब कसाई उड़ जाए तेल बचे, फिर उसमें 1 लीटर अगला वाला नेक्स्ट डालना है, इस तरह से आप 100 बार इसको पाक करना है, लेकिन लास्ट वाले में उन्होंने बोला जब लास्ट वाला जब 10वां पाक करने जा रहे हैं तो उसमें स मांसम छागलम पयम, उतना ही 1 लीटर मतलब उसमें छागल पय मतलब बकरी का दूध मिला दीजिए ना, फिर इसको जो है पकाइए खूब अच्छे से पकाइए, ठीक ना, उतना पकाइए सिर्फ तेल बचे ना, पात उड़ जाए और छागल पाई की क्वांटिटी जो है वो उड़ जाए, ठीक ना, सिर्फ तेल बचे, वो जो तेल है यही आपके अरु तेल है, वही आपका जो लास्ट में 1 लीटर प्राप्त होता है वही अरु तेल प्राप्त हो गया। हाँ, इसी को नावन संवेदी मतलब विधि पूर्वक नावन में इसको यूज करना चाहिए। 80 मात्रा परियोजित तैलस अर्ध फलन देता हूँ, मैंने बोला नामन कर्म करने के लिए आप टोटल अर्ध पल की मात्रा आप डालते हैं नाक में, अर्ध पल सोच लीजिए इतना इन्होंने लेने के लिए बता रखा है, और फिर टेक्निक क्या बताया इन्होंने, बोला कि स्निग्ध सुन्न उत्तम अंग से तीक्ष्ण नावन स्त्री भी है, मैंने बोला कि स्नेहन स्वेदन करवाइए है ना, उर्ध रीजन का पहले आपको क्या करवाना है, स्नेहन करवाना है, फिर स्वेदन करवाना है, स्वेदन करवाने के बाद में कॉटन स्वैब लीजिए, इसका पीछू बना लीजिए, मतलब पीछू बना लीजिए, मैंने बोला उस समय का टेक्निक था, आप इस समय ड्रॉप से भी डाल सकते हैं, उसमें उन्होंने के पास में ड्रॉपर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इसको तेल कॉटन को कॉटन स्वेब को तेल में भिगो दिया, भिगोने के बाद में इसमें नाक में डाल के वो स्पीच करते थे तो उसमें जलता था ना, इस तरह से आप चाहे आप इस समय पीछू ना के जगह पीछू की जगह पर आप सीधे आई ड्रॉप नेजर ड्रॉप का यूज कर लीजिए ना, तो इन्होंने बोला त्रिभी 3 बार नस देना चाहिए, एक बार में जब भी आप शुरू कर रहे हो तो 3 बार डालिए, ठीक है ना, त्रयात त्रयात मतलब इन्होंने बोला कि दिन में 3 बार आपने किया, एक दिन में 3 बार आपने नस किया, सुबह दोपहर शाम में कर लीजिए, चाहे एक ही बार में लगातार कर लीजिए, हालांकि उन्होंने बोल रखा है जो आप जब आप साधारण रूटीन करवाते हैं तो 3 बार करवाते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम में 3 बार करवा लीजिए, हाँ और शाम के टाइम में जरूर बताते हैं उसमें, त्रयात त्रयात च सप्ताह एतत् कर्म समाप्त रहता है, इन्होंने बोला तीसरे तीसरे दिन करना है और सप्ताहम एतत् कर्म, एक सप्ताह इसको करना है मतलब 7 बार इसको करना है, सप्ताह मतलब एक साथ 7 बार करने के लिए उन्होंने बता रखा है, और त्रयम तीसरे तीसरे दिन आज आपने किया कल नहीं करना है परसों करना है ना, आज पहला दिन दूसरा दिन तीसरे दिन फिर करना है, त्रयात त्रयात मतलब तीसरे तीसरे दिन करना है, एक दिन का अल्टरनेट डे में करना है इसको, ठीक ना, और 7 बार करना है, तो ध्यान दीजिए एक दिन में 3 बार करना है और तीसरे तीसरे दिन करना है ना, मतलब एक दिन का इंटरवल वर्क करना है, टोटल कितनी बार देना है, कितने दिन देना है, तो 7 दिन देना है, ठीक ना, ये सप्ताह मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तीसरे तीसरे दिन दिए तो 3 ही 4 दिन में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, तो मैंने बोल रखा है सप्ताह में 7 बार टोटल आप दे सकते हैं ना, 3, 5 और 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है, 3 बार या 5 3 दिन या 5 दिन या तो 7 दिन, इतने दिन करने का इन्होंने बताया था, तो उत्तम आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको 7 दिन करवाना चाहिए, ठीक है, यदि किसी में 3 दिन में ही सिम्टम आ जाते हैं तो उतने पर रोक देना चाहिए, किसी में 5 दिन में सिम्टम आ जाते हैं तो उतने पर भी रोक देना चाहिए, किसी में हो सकता है ना आए तो पूरे 7 दिन करिए, 7 दिन के बाद फिर नहीं करते हैं, ठीक है, गलत सिम्टम ना आए उसके ना। आगे उन्होंने बोल रखा है कि निवात उष्ण समाचार हिता से नियत इंद्रिय, उसको क्या करवाना है, ये सब करने के बाद में नशे देने के बाद में उसको निवात स्थान में रखिए, उसको मतलब ज्यादा हवा के एक्सपोजर में नहीं रखना है, और उष्ण उष्ण ही चीजें उसको खाने पीने में देना है, पीने के लिए भी गर्म पानी दें और खाने में भी कोई भी ठंडा चीज नहीं देना है उसको, आइसक्रीम वगैरह से बचाइए, ठंडी चीज से बचाइए, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है, ठीक है, और इस तरह से देने से क्या होता है कि त्रिदोषघ्न नाम इंद्रियाणाम बल प्रदान, ये क्या है, ये देने ये फायदा क्या है, त्रिदोष को दूर करने वाला है, त्रिदोषघ्न
को दूर करने वाला होता है, शमन करने वाला होता है और इंद्रियों को ये बल देता है। हम प्रयोजन जानो यथाकालम यथोक्तम अनुसते गुणाना, इस तरह से ये यथाकाल से देने से यथा गुरु को देने वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अड़ु तेल को अड़ु तेल ही क्यों बोलते हैं, नाम देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि अड़ु मतलब आपने देखा टोटल 27 ट्रक यूज किया है तो फिर इसका नाम अड़ु तेल क्यों पड़ा ना। जैसे कभी भी ज्यादा है 10 मोल आते तेल का 10 मोल आते मतलब उसमें पड़ा हुआ है ना। महानारायण तेल जैसे आप बोलते हो तो महानारायण का मतलब क्या, उन्होंने देखा उनके ऊपर बोला कि नारायण जी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। हाँ या तो कोई भी आप जैसे बोलते हो कोई भी तेल का नाम लेते हो कोई भी तेल जैसे तिर तेल जैसे महाभृंगराज तेल आप सुने हो का महाभृंगराज उसमें पड़ा हुआ है इसलिए उसका नाम है महाभृंगराज तेल है ना, भृंगराज में पड़ा हुआ नहीं से। तो लेकिन यहाँ पे क्या है अड़ु तेल फिर इन्होंने नाम दे दिया। तो अड़ु तेल नाम देने के पीछे ये है इतनी बार हम पाप करते हैं कि इसके हर तेल के एक एक अड़ु में भी वो गुण आ जाते हैं इसलिए अड़ु तेल इसका नाम पड़ा। दूसरा है कि अड़ु मात्रा में हम यूज करते हैं मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में हम यूज करते हैं तो ज्यादा फायदा देने वाला होता है। और अगला फायदा है कि 10 बार पाप होने की वजह से ये सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में मतलब अड़ु अड़ु वाले धातुओं में भी मतलब हर एक अड़ु बॉडी के हर एक अड़ु में ये प्रवेश कर जाती है। ये मतलब अपने गुणों को ये कैरी करने वाली होती है, मेडिसिनल क्वालिटी को ये कैरी करने वाली होती है, हर एक धातुओं तक पहुंचाने वाली होती है, बॉडी के हर एक अड़ुओं तक पहुंचाने वाली होती है, इसलिए भी हम अड़ु तेल इसको नाम देते हैं। ये 3 क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इसका नाम अड़ु तेल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फायदा हो गया, ये ध्यान दे दीजिए। अच्छा अगला इन्होंने ये नस्य के फायदा हुआ ना, नस्य आपको किस तरह से करना है ये हमने बता दिया और फायदा क्या है वो बता दिया। अगला है दंत पवन मतलब दातवन, दातवन करने की क्या टेक्निक है ना। तो दातवन करने के लिए सर, हाँ क्वेश्चन सर, अगर इसको अल्टरनेट डे करके 7 दिन तक अगर इसको देंगे जी, तो रुकने के बाद इसको वापस से कंटिन्यू कब से करना होता है। रुकने के बाद वापस से मतलब सर, जैसे एक कोर्स हम लोग 7 दिन का कर लिए अल्टरनेट करके उसके बाद उसको रोक दिए तो सर अगर वापस से किसी पेशेंट को देना होगा तो फिर कब से शुरू कर सकते हैं इसको। हमने बोला ना कि आपको जब भी करना है तो प्राइवेट ऋतु में, शरद ऋतु में या तो बसंत ऋतु में करना है, ठीक है ना। तो एक बार आपने किसी पेशेंट में किया है, पेशेंट का मतलब क्या है, ये तो हेल्दी हेल्थी के लिए इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है ना। yes. ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दिनचर्या में बता रहा है ना। तो नस्य कर्म करना है तो ये हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हमने ये प्रिस्क्राइब कर रखा है। बाकी जो डिजीज वाइज है ना, तो डिजीज में वो वहां पर इंडिकेटेड रहेगा कि ये वाला डिजीज है तो से मन्यस्तन में किसी को हर्टिकुलाइटिस वगैरह है उसमें लंबे दिनों तक चलाते हैं, ठीक है, जब तक उसका दोष का समन न हो जाए। वो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अलग होगा ना। पेशेंट के लिए जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम देखेंगे कि कितने दिनों में ये दोष का सामना कर देगा, तब तक हम इसको देते रहते हैं। और उसमें जरूर नहीं कि हम अड़ु तेल का ही नशे कर रहे हैं, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए देखिए इन्होंने बता रखा है अड़ु तेल आपको देना है, ठीक है ना। और कुछ कुछ डिजीज में भी इन्होंने बता रखा है कि इस वाले डिजीज में ये फायदा देने वाला है अड़ु तेल, ठीक है। जैसे इन्होंने बता रखा है ना, ये मन्य स्तंभ है, सिरा शूल है, अर्धित है, हनुस्तंभ है, पीने से अर्धा भेदक है, सिरा कम है, उसमें भी ये फायदा देगा ना। कौन? अड़ु तेल देगा ना, ठीक है। अड़ु तेल के बारे में देखिए आप कहाँ आए हुए हैं, अड़ु तेल के बारे में इन्होंने सिर्फ कहीं पर भी देखिए इन्होंने बताया नहीं है अड़ु तेल के बारे में, ऊपर में ही है ना, अड़ु तैलम से काले सूत्र से ना, इसी वाले में जो बता रखा है मन्य स्तंभ शिशूल अर्धित हनु संग्रह पीना सर्धाव भेदो शिर सामिति, उसके लिए इन्होंने बताया कि मैक्सिमम आप 7 दिन यूज करिए। इन सब में अड़ु तेल का सिर्फ आप यूज करते हैं तब के लिए, बाकी जैसे षडबिंदु तेल का यूज करते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से यष्टिमध्य का भी तेल आती है ना, मुलेठी के तेल आती है यष्टिमध्यादि तेल ना, वो भी नस्य के लिए यूज करते हैं तो वो अलग, धनवंतर तेल का नस्य करते हैं तो वो अलग होती है उसका ना, उसका अलग दिनों तक करेंगे और किस वाले दोष में करेंगे। जैसे पित्त का एग्रेवेशन हो तो यष्टिमध्यादि चूर्ण हम उसका यूज करते हैं, अरे यष्टिमध्यादि तेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। और यदि कफ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो षडबिंदु तेल का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हमें वात का एग्रेवेशन ज्यादा दिखाई पड़े तो अड़ु तेल हम वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। तो हर एक दोष वाइज और हम डोज भी डिसाइड करते हैं कि हो सकता है तो 3 दिन की जरूरत पड़े या 5 दिन की जरूरत पड़ेगा तो 7 दिन की जरूरत पड़ती है। और दोष के कंडीशन के हिसाब से भी हम बताते हैं कि उनमें ये वाला तेल आप प्रिस्क्राइब करिए।
किसी को हेल्थ मेंटेन करना हो तो बेस्ट है अर्थ, ठीक है ना, चाहे वातज प्रकृति का आदमी हो, पितृ प्रकृति का हो, चाहे कफ प्रकृति का आदमी हो, सबके लिए बेस्ट होगा अर्थदेव, तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसे भी यूज करवाना है, साधारण रूप में तो यूज करवा सकते हैं, ठीक है। वर्षा शरद और वसंत ऋतु में, मतलब हर एक ऋतु में बस एक एक कोर्स करवाना होता है, हाँ एक मीन्स एक कोर्स, 14 दिन। हाँ ये हम नशे की बात कर रहे हैं, प्रतिमर्श नशे तो आप हर दिन दे सकते हो ना, दो दो ड्रॉप लेना है तो आप वैसे भी वो हमेशा ले सकता है, किसी किसी को सिर फूल हनु ये जैसे बहुत बना रहता है ना पीना, बीच में किसी को हो गया सिर कंप हो रहा है, सिर सुर हो रहा है, तो आपका इसका मतलब आप अगला ऋतु का इंतजार करोगे ऐसा नहीं है, फिर आप उनको बता सकते हो कि प्रतिमर्श आप नशे आप लेते रहिए, जैसे किसी को जैसे ये है ना केस वाला फायदा लेना है ना, तो उसका बाल बहुत तेज से झड़ रहा है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप बोल दीजिए कि आपको प्रतिमर्श नशे लेना है, और तेल का प्रतिमर्श मतलब 2 से 3 ड्रॉप अपने वो हर दिन वो अपना डालता रहे शाम के टाइम, ठीक है, इससे जो है ये दोष जो है एग्रेवेट नहीं होंगे, ठीक है। जो उत्तम अंग रीजन में या हेड रीजन में जो दोष एग्रेवेट होने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है, वो उसका समन हो जाया करेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रतिमर्श नशे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 2 से 3 ड्रग केवल, तो उसमें आधा पल की क्वांटिटी में यूज नहीं करना है फिर, ठीक ना, आधा पल। लिए बिना भी इसको यूज कर सकते ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम नस्य करवाएंगे तो हमें स्नेह सृजन करवाना जरूर करते हैं, एक देखिए नस्य कर्म आप पढ़ोगे ना पंचकर्म का एक पार्ट है नस्य कर्म, लेकिन प्रतिमर्श नस्य पंचकर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो प्रतिमर्श न से बिना स्नेह स्वेदन का आप यूज करवा सकते हो, लेकिन उसका डोज बहुत ही कम है, 2 से 3 ड्रॉप मान लो, यहाँ पे देख रहे हो ना आधा पल की क्वांटिटी में आप यूज करवाना है टोटल 1 सप्ताह, ठीक है। यस सर, थैंक यू और सर। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर आगे हम चलते हैं दांत। सर विमर्श में एक जगह लिखा हुआ है कि एकांतर विधि से 7 बार नस देने के लिए 13 दिन की आवश्यकता है, हाँ, नहीं समझ में आ। ये इन्होंने बोल रखा है, कुछ लोगों ने बोला कि 7 दिन जैसे आप देना है टोटल, आपको कितना दिन देना है 7 दिन, ठीक है, तो 7 दिन देने के लिए आप निकाल लो, आज आपने दिया, आज कौन सा डेट है, मान लीजिए आज पहला फर्स्ट डेट है ना, 1 जुलाई है या 1 अगस्त से हम शुरू करते हैं मान लो ना, 1 अगस्त को हमने पहला दिया, फिर कब देंगे अगला वाला, दूसरा वाला कब देंगे, थर्ड को, थर्ड को, ठीक है ना, फिर उसके बाद में फिफ्थ ये पहला हो गया दूसरा हो को, गया, फिर तीसरा वाला कब दिए, फिफ्थ को, फिफ्थ को, हाँ फिर चौथा वाला कब दिए, सेवेंथ, और फिर चौथा हुआ पांचवा वाला कब दिए, नाइन्थ, छठवा वाला कब दिए, इलेवन, इलेवन, और सातवां वाला कब दिए, थर्टीन, थर्टीन, अब समझ में आया, थर्टीन, अब समझ में आया, यस सर, हाँ, यस सर, आगे। इस तरह से टोटल डेज कितना लग जाता है 7वां डोज देने में, 13 दिन, ठीक है। अगला, और कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा फिर हम देखते हैं आगे दंत धावन, ठीक है, दंत धावन के लिए देख लीजिए इन्होंने क्या बता रखा है, दंत धावन की विधि यहाँ पर बता रखा है इन्होंने, तो आपोथिताग्र दो कालो मतलब 2 काल में आपको मंजन ये दातवन करना चाहिए, आप उसको मंजन भी बोल सकते हैं, तो दातवन करने के लिए इन्होंने बोल रखा है कि चरक ने प्रातः और सायं यूज कर दिया ना, 2 बार ही यूज करिए, लेकिन बागभट्ट ने उसको थोड़ा सा टर्म बदल दिया, उन्होंने बोल रखा है कि प्रातः और भोजनत्वर ना, प्रातः काल में करिए और भोजन करने के बाद भी करिए कभी भी ना, तो इन्होंने टाइम नहीं बताया कि 2 बार 3 बार कितनी बार करना है, बाबर साहब ने बोला कि प्रातः और भोजन करना, भोजन करने के बाद में कभी भी, मतलब जितनी बार भोजन करें उतनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन चरक ने क्लियर कट ने बोला है कि 2 कालो मतलब प्रातः और सायं यूज करिए, ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको अग्र मतलब जिस दातवन का आगे वाला पोर्शन आपको क्रश कर लेना है, अग्र पोर्शन आपको क्रश कर लेना है, और वो मतलब दातवन किसका बना होना चाहिए, किस रस वाला प्रधान होना चाहिए, तो उन्होंने बोला है कषाय कटु तिक्तकम, कषाय कटु और तिक्त रस वाला होना चाहिए, इससे फायदा क्या होती है, भक्षेत दंत पवनम, इससे करना करने दंत पवन किसको कहते हैं, दंत दातवन को, ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगी, दंत मांसाने बाधियां ना,
दंत मांस को ये बांधने वाला होता है, मतलब गम को भी स्ट्रांग करने वाला, टीथ गम को भी ये स्ट्रांग करने वाला होता है। सुश्रुत ने मधुर रस को भी ऐड किया है, ध्यान दीजिए। चरक ने सिर्फ तीन रस बताया है ना, कषाय कटु तिक्त कम, ये कषाय कटु और तिक्त रस लेना है, लेकिन सुश्रुत ने मधुर रस भी ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, वाग्भट में आप पढ़ क्या हुए है ना, द्वादश अंगुलात आयतन कनिष्ठ अग्र, ना कनिष्ठ अग्र के बराबर मोटाई होनी चाहिए और द्वादश अंगुल का होना चाहिए। प्रातर भुक्त्वा, ना प्रातर भुक्त्वा, देखिए इन्होंने बताया ना, प्रातः काल और भुक्त्वा खाना खाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, भक्षयेत् दन्तधावनम्, ना दंत धावन का भक्षण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ठीक ना। इससे फायदा क्या होगा, इन्होंने बता रखा है, निहंती गंधम वैरस्यम दंत जिह्वा दंत अस्यजम मलम, ना निकृष्य रुचिम आधत्य सत्यो दंत विशोधनम, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फायदा क्या होगा, ये दूर किसको निहंती क्या चीज का नाश करेगा, गंध वैरस्यम, ना वैरस्यम मतलब मुख का जो फाउल स्मेल है, बैड स्मेल है, उसको दूर करने वाला होगा। हाँ, और क्या है, जिह्वा दंत आसिजन मलम, जिह्वा दंत और मुख के जो मल है ना उनको दूर करने वाला होता है। और इस तरह से निकृष्य रुचिम आधत्ते, हाँ इन सबको बाहर निकाल करके, मल को बाहर निकाल करके रुचिम आधत्ते सद्यो, हाँ दंत विसर्जन, दंत विसर्जन करने का सद्यो ही मतलब तुरंत ही रुचिम आधत्ते रुचि उत्पन्न हो जाती है, भोजन वगैरह करने में आपको रुचि उत्पन्न होगी, रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है सद्यो। आगे ठीक है, आगे देख लीजिए कुछ उत्तम दातों के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा है, करवीर करंज हो गया, करवीर हो गया, अर्क मालती, ककुभ असन, ककुभ में होता है अर्जुन, असन ना असन विजय सार जो होती है। फिर अगला इन्होंने बता रखा है सस्यंते दंत कौन है, ये मतलब ये सब द्रुमा, द्रुमा में होता है वृक्ष ना, इन वृक्षों को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इनका आपको अभ्यास करना चाहिए ना, जिसका करंज का, करवीर का, अर्क मालती, ककुभ और असन का, ठीक ना। सुश्रुत ने कुछ और बता रखा है, सुश्रुत ने क्या बोला है, द्वादश अंगुल आयतन होना चाहिए कनिष्ठ का, इन्हीं का लेकर के बागवत साहब ने वहां पर लिखा हुआ है अपने अष्टांग संग्रह में। और इन्होंने बोल रखा है कि कौन कौन सा रस वाला प्रधान होता है, जैसे निम्ब से तिक्त के श्रेष्ठ है ना, नीम तिक्त रस में निम्ब का यूज करिए, कषाय खुदिरस तथा, ठीक है ना। अगला इन्होंने बोला मधु को मधुरे श्रेष्ठ है ना, मधु को मधुरे श्रेष्ठ है ना, मधुर रस के लिए आपको मधु का यूज करिए, मतलब मुलेठी का आप दर्शन कर सकते हैं वहां पे। और करंज कटुके तथा, करंज कटु रस का सेवन करना है तो आप करंज का सेवन करिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए स्मृति ग्रंथों में भी इन्होंने बता रखा है, खदिर से कदम्ब से करंज से तथा वट, वट का भी इन्होंने बता रखा है स्मृति ग्रंथों में आया हुआ है, ठीक है। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बता रखा है आपको, अभी आपने पढ़ा ना असनम, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये आया हुआ है सूत्र स्थान सूत्र नंबर 3 में सुश्रुत के अष्टांग संग्रह में, इन्होंने बोल रखा कि पलासम असनम दंत धावनम पादुके त्यजेत, पलास का और असन का दंत धावन और पादुका मतलब खड़ाऊ उसमें नहीं बनाना चाहिए, मतलब त्यजेत मतलब उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ढेर सारे ढेर एग्जाम्पल भी बता रखा है, और किस किस वृक्षों का दातों नहीं करना चाहिए ये भी बता रखा है, अष्टांग संग्रह करना किसका बताया, न एव इनका सेवन नहीं करना चाहिए, किसका, श्लेष मातक, अरिष्ट विभितक, धनव धनवजान, बिल्व बचुल, निर्गुंडी शिक्र, त्रिवकान त्रिवकान, कोविदार, समी पीमु, पिपल ना पिपल, इंगुदी गुगुल कान, पारिभद्र, आम्लिकी, काकोमाच्य, चलमली, इन सब पढ़ लीजिए आप इसको थोड़ा सा, इन सब काम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन्होंने बोला स्वादु अम्ल लवड़म शुष्कम सुशीरम पुति छिलम, ये होते हैं ये लोग मतलब बता रहा है कि ये मीठा होता है, अम्ल होता है, लवण रस वाला होता है, शुष्क होता है और बीच में खोखला होता है ना, सुशीर होता है, ऐसा जिसमें खोखला होगा तो अच्छे से उसका दातों नहीं बन पाएगा, पुति होता है ना और पिछिल होता है ना, सुलिसा होता है, स्लाइमिनेस ज्यादा होता है, तो उसको आप दातन नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने बोल रहा है कि इन सब माता का रिश्ते विविधता